सॉल्यूशन चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्वेश्चन नंबर 6 अ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 की पावर 9 हर्ट्ज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर। ओके, तो अपने पास जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो जैसे मान लो चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में हो यानी स्पीड इसकी जीरो हो तब ये क्या प्रोड्यूस करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जब चार्ज पार्टिकल कॉन्स्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा हो तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओके, बट जब चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेटेड मोशन में हो, ठीक है, जैसे वाइब्रेट कर रहा हो, तो अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। तो जहाँ पर जो ये चार्ज पार्टिकल जिस फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है उसी फ्रिक्वेंसी से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसी फ्रीक्वेंसी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसी फ्रीक्वेंसी से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल होगा। यानी जो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज होगा वही फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वही फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा और वही फ्रीक्वेंसी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। तो आपका चार्ज पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी होगा, यानी सोर्स फ्रीक्वेंसी से ही डिसाइड होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जैसे अपने सन के ऊपर चार्ज पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहे हैं उससे अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है और वो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे डिसाइड होती है कि वो सन के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल है वो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी से वो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल होगा।